और आज की वीडियो में आप जानेंगे इंचेस साइज बोल्ट और एमएम साइज बोल्ट में क्या डिफरेंट होता है और उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एमएम साइज बोल्ट कौन सा है और इंच साइज बोल्ट कौन सा है। मान लीजिए हम 12 एमएम का बोल्ट लेते हैं और हाफ इंच का बोल्ट लेते हैं, तो इंच साइज का कौन सा है और एमएम साइज का कौन सा है ये भी आप कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि इंचेस साइज बोल्ट है वो भी 12.7 होता है तो थोड़ा का डिफरेंट होता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमएम साइज बोल्ट कौन सा है और इंचेस साइज बोल्ट कौन सा है। तो इसके बारे में हम खास करके चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उसे मापने का तरीका क्या होता है, इंच साइज बोल्ट को मापने का तरीका क्या होता है और एमएम साइज बोल्ट को मापने का तरीका क्या होता है। और अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना रहे मापने के लिए, पिच मापने के लिए या बोल्ट को मापने के लिए, तो उसे आप आसानी से कैसे जान सकते हैं कि कौन सा एमएम साइज बोल्ट है और कौन सा इंच साइज बोल्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर इंच साइज बोल्ट मापना है तो उसको हम टीपीआई में मापते हैं और एमएम साइज बोल्ट मापना है उसको हम पिच में मापते हैं। तो अब पिच क्या होता है और टीपीआई क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं।